हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंग्लिश स्पोकन मास्टर जी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमालाओं को के लिए इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं इंग्लिश इंग्लिश में। जैसे कि मान लीजिए मात्रा, जैसे हिंदी में हम मात्रा लिखते हैं, उसकी मात्रा की मात्राओं के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखिए, जैसे ओ है, ओ के लिए जैसे इंग्लिश में ए लिखते हैं, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटा ओ के लिए यू, बड़ा ओ के लिए डबल ओ। सेम जैसे किसी किसी भी नाम हो या किसी कोई भी वर्ड हो, उसमें क्या होता है, आ लिखा रहे या छोटी ए लिखा रहे या फिर उसका मात्रा रहे, बस लिखा जाता है वही। जो जैसे कि हम आ के लिए डबल ए या आ ए लिखते हैं, छोटी के लिए आई या फिर उसकी मात्रा रहे तो उसके लिए आई ही लिखेंगे। ठीक है, बड़ी ही रहेगा तो उसकी मात्रा रहेगा, उसके लिए हम डबल ही लिखेंगे। छोटा हुआ है या उसका मात्रा मात्रा रहेगा, मतलब कहने का मतलब है कि अ से लेके आह तक वो अक्षर रहे, यानी स्वर अक्षर रहे या उसकी मात्रा रहे, बस इंग्लिश में वही लिखना है। एक जैसे अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए या आ सिंगल ए, बस वही लिखना है। चलिए हम कुछ नामों या कुछ वर्डों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा अमित, ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है ओ, ओ के लिए क्या लिखते हैं, ओ के लिए तो ए लिखते हैं ना, तो एक ए के लिए, ओ के लिए ए लिख दिए। मो के लिए क्या लिखते हैं, एम ए, हालांकि यहाँ पे एम ए नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मो पे ऑलरेडी पहले से मात्रा दिया हुआ है, यानी बस उसके मात्रा के लिए हम आई के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई लिख दिए, तो के लिए टी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आमिर लिखा हुआ है, ठीक है, आमिर जैसे आमिर लिखा हुआ है, तो आमिर के लिए सिर्फ आप ए लिखिए या फिर डबल ए भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन आ के लिए यहाँ पे सिंगल ए लिखते हैं, मौ के लिए एम लिखते हैं, इस पे किसकी मात्रा है, आई यानी छोटी की मात्रा है, यानी यहाँ पे आई हो जाएगा, रो के लिए आर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे किसी भी स्वर अक्षर पहले रहे या फिर उसकी मात्रा रहे, उसके लिए बस इंग्लिश में जैसे रेड पेन से लिखा हुआ है, उसी तरह का लेटर का यूज़ होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने कबीर लिखा, कबीर, कबीर में देखिए क्या होता है, जनरली हमने पिछले वीडियो में बात किया था, क के लिए हम जनरली क्या लिखते हैं, के ए, ठीक है, क्यों के ए लिखा गया, क्योंकि क पे कोई मात्रा ना होने के कारण यहाँ पे क में अ छुपा रहता है ना, इसलिए क के लिए के लिखा गया, उसके अ, हालांकि अपने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, जैसे क है, क में क अ छुपा रहता है ना, इसलिए इसमें अ होने का यहाँ पे ए लिख दिया गया, तो क के ए से क हो गया। ब के लिए बी लिखते हैं, और इस किसकी मात्रा है, बड़ी की, यानी बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, अब देखिए लिखा हुआ है डबल ई, यानी हम डबल ई लिखेंगे, डबल ई लिख दिए। ये क्या है, ये र, रॉ के लिए क्या लिखते हैं, आर, आर ए, ए नहीं होगा, क्यों, कबीर, नाम के उच्चारण देखिए कबीर लिखा हुआ है, कबीर, कबीरा, कबीरा ना, कबीर, यानी लास्ट में अगर ऐसे कंडीशन में लास्ट में अगर कोई अक्षर रहेगा, ठीक है, उसमें हम ए नहीं बैठेंगे, बस उसको आर, जैसे कि यहाँ पे टी था, उसी तरह से इसको ऐसे छोड़ देना है। इसी तरह से जितने भी सारे नाम हैं, ठीक है, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन या किसी के नाम है, ठीक है, नाम में जनरली हम इसी तरह की मात्राओं का यूज़ करते हैं, मात्रा के लिए, जो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, ये सारे, ठीक है, इसी यही सारे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारे मात्राओं का हम आसानी से अगर सीख जाते हैं, तो हम किसी भी नाम को, नाम हो या किसी भी वर्ड को आसानी से हम इंग्लिश वाले वर्ड को अभी थोड़ा सा हम
उसको सीखने सीखेंगे, लेकिन पहले हम हिंदी वाले सिखा देते हैं, सीख लेंगे, उसके बाद इंग्लिश वाले वर्ड को सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए पहले हिंदी वाले वर्ड को सीखना ज़रूरी है। ठीक है, बस आज की वीडियो में यहीं तक।